हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। करीब दो महीनों के बाद अब देश भर में हवाई जहाज फिर से उड़ान भरने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं केसी त्यागी, जेडीयू के प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता। त्यागी जी, कई राज्यों ने अभी कुछ देर पहले अपना अपना प्रोटोकॉल जारी किया है, कहीं पे क्वारंटाइन होना पड़ेगा, कहीं पे क्वारंटाइन नहीं होना पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि इससे कुछ कंफ्यूजन बढ़ेगा? उड्डयन उद्योग की निरंतर मांग थी कि किस प्रकार मंदी की वजह से और बंदी की वजह से यह उद्योग लगभग ठप होने के कारण है। गृह मंत्रालय की और उड्डयन मंत्रालय की आपसी समझदारी के बाद कल से उड़ानें शुरू की गई। राज्य सरकारें स्वतंत्र हैं अपने तरीके से गाइडलाइन तय करने के लिए। ये राज्यों की मांग भी रहती है कि एमएचए राज्यों को अति स्वायत्तता नहीं देता है। इसको लेकर के बहुत बड़ा कन्फ्यूजन समूचे देश में हो गया है। कई राज्यों ने अपनी जो अलग से गाइडलाइन जारी की है उसके तहत एयरपोर्ट पर उतरने के बाद व्यक्ति को 14 दिन क्वारंटाइन में रहना है, अपना काम समाप्त करना है, फिर उसी गंतव्य स्थान पर वापस जाना है और फिर 14 दिन पर वहां क्वारंटाइन करना है। तो ऐसी परिस्थितियों में कोई भी व्यक्ति हवाई जहाज की यात्रा कैसे कर सकता है? ये चिंता उड्डयन मंत्रालय की भी है। तो ये सारा जो कन्फ्यूजन है इससे उड्डयन उद्योग को कोई फायदा नहीं होने वाला। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और स्टेट के चीफ मिनिस्टर बैठ करके नए तरीके से कोई गाइडलाइन तय करें, वरना जो छूट दी गई है वो बेमतलब और बेमायने हो जाए। नहीं, इसके अलावा कई राज्य ऐसे हैं, जैसे पश्चिम बंगाल में तो तूफानी आया था, महाराष्ट्र में भी महाराष्ट्र सरकार का पहले कहना था कि 31 तक नहीं चले, लेकिन हालांकि उन्होंने 25 विमानों की का परमिशन दे दिया। तो आपको लगता है कि थोड़ा और राय विचार करके इसको शुरू किया जाना चाहिए, जल्दबाजी में हो गया? ये संपूर्ण कन्फ्यूजन की स्थिति है और जिस मकसद से ये खोला गया है वो मकसद इससे हासिल नहीं होगा। जिस राज्य में 14 दिन क्वारंटीन रहना है, मैं आपसे जाति सवाल पूछ रहा हूं, अगर आपको जाना पड़े तो आप जाएंगे कि नहीं? नहीं, मैं ऐसी यात्रा पसंद नहीं करूंगा, बल्कि मैं ट्रेन से जाना पसंद करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो थोड़ा कंफ्यूजन जरूर है और सरकार को, केंद्र सरकार को, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, नागरिक उड्डयन मंत्रालय को, इन सबको, राज्य सरकारों के साथ बैठकर इस मामले को एक तरीके से फिर से इस पर विचार विमर्श करना चाहिए और एक तय नीति के अनुसार ही इस जो हवाई जहाज की सेवा है उसको शुरू की जानी चाहिए। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ प्रशांत, एबीपी न्यूज दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।